हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। जैसा कि अपन ने पिछले बार क्लास नाइन्थ के लिए अपन ने कोर्स सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर के में बात कर ली थी और बेसिक पढ़ाई कैसे करनी है उसके बारे में बात कर ली थी कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को पता ही चला होगा कि COVID-19 यानी कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से 3 मई तक मोदी जी ने और लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। तो अपन ऐसे ही रेगुलर क्लासरूम्स लाइव ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते रहेंगे ऐसे, ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर के थ्रू या फिर कई बार जूम क्लासेस भी कर सकते हैं अपन एज रिक्वायर्ड जब भी। ठीक है, तो तब तक 3 मई तक तो यही चलते रहेगा ऑनलाइन क्लासेस। तो रेगुलरली यूट्यूब के वीडियोस देखते रहो, जो भी होमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेगुलरली करते रहो एंड कोई भी डाउट्स आए तो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। ठीक है, तो कोर्स सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें बता दिया था, आज स्टार्ट करते हैं फाइनली चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स, नंबर अपने जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैथ्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है नंबर्स। नंबर्स के बिना तुम कोई भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर का मीन क्या है, एक नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक मैथ्स में एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करते हैं। नंबर नंबर्स क्या हेल्प करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को मेजर करना हो, जैसे कि तुम्हारी हाइट वेट, वो एक नंबर से मेजर होगी। ठीक है, फिर नंबर से अपन किसी को लेबल भी कर सकते हैं, ये नंबर रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, इस तरीके से भी होता था। और नंबर से बहुत सारे तरीके इस तरीके से, ठीक है, तो नंबर्स के बिना मैथ्स अधूरा है। तो इसीलिए अपन नंबर सिस्टम चैप्टर 1 इसी से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में ऑलरेडी तुमने क्लास 8 तक जितना पढ़ा था वो सब बता रहता हूँ एक बार रिविजन की तरफ। तो नंबर सिस्टम में तुमने सबसे पढ़ा होगा, याद होगा तुम्हें, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो भी सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेके जो बचपन में स्टार्ट किया था, 1 से लेके जितने भी 100,000 जितने भी आगे जा सकते हो, तो जो भी ये सब नंबर्स हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1, 2, 3, 4, 5 सो अंटिल कितना भी जा सकता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो कितना भी जा सकता है नेचुरल नंबर्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन के साथ। ठीक है, तो इसको कई बार बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं क्योंकि काउंटिंग अपन बचपन से वहीं से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, फिर आते हैं अपने पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या था याद करो, होल नंबर्स में W से रिप्रेजेंट करते थे और इसमें बस नेचुरल नंबर्स में बस एक एक्स्ट्रा ऐड होता था, वो है 0। तो 0 से लेकर आगे जितनी भी वैल्यूज जा रही है अपने पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यूज जा रही है वो सारी चीजें किसमें आएंगी, होल नंबर्स में। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था उसके बाद होगा तो इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से या फिर कई किताबों में जेड से भी डिनोट करते हैं। अपन इस किताब के थ्रू जाएंगे अपने एनसीईआरटी के थ्रू, तो आई ही रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और ये क्या होता है इंटीजर्स, जैसे कि होल नंबर्स में सारे पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। जैसे कि होल नंबर्स तो आने ही इंटीजर्स, ये तो इंटीजर्स है ही, लेकिन इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, यानी -1, -2, -3, -4 ऐसे नेगेटिव में बहुत छोटा वैल्यू जाते रहेंगे, इधर ये पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू जाते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेगा इधर घटते रहेगा। तो ये सारे जो नंबर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे ये सब इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और डिनोट करते हैं इसको कैपिटल आई के साथ। 1 से लेके आगे इन सबको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये भी पढ़े होंगे तुमने क्लास 8 में, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी आई प्लस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स यानी आई माइनस। ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ लिया है, तुम लोग अपने नोटबुक में लिखना चालू कर सकते हो इसको। ठीक है, बट तुम्हें अगर नोटबुक में नहीं लिखना है तो एक बार 9th 8th असाइनमेंट के नोट जो भी है रिवाइज कर लो। ठीक है, तो एंड 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, ये भी पढ़ा हुआ याद होगा, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो 0 को दोनों में नहीं गिनते, वो नेगेटिव भी नहीं है वो पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन हाँ वो इंटीजर जरूर है। ठीक है, लेकिन 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं कि नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 एक इंटीजर है बस। ठीक है, तो ये अपन इंटीजर के बारे में पढ़ा था, ये तो पहले ही बहुत पहले पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद अपन ने एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, याद होगा तो एक रैशनल नंबर्स भी पूरा एक चैप्टर बेस्ड था। ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो एक बार रिवीजन कर देता हूँ, याद दिलाता हूँ सबको रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में
लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड डिनोमिनेटर यानी q जो है वो जीरो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब कहानी अपन ने पहले कर ली थी। हाँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो 2/5 माइनस 1/2, 3/1 यानी 3 हो जाएगा, तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस 1/9 या फिर माइनस 100/2, 100/3। ये सब जो सारे नंबर्स मैंने लिखे ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स कवर अप हो जाए। ठीक है, देखो पार्ट बाय पार्ट जा रहा है, याद होगा तो। रैशनल नंबर्स, फिर आता है अपने पास इंटीजर्स, उसके अंदर फिर इंटीजर्स के अंदर आते हैं अपने पास होल नंबर्स, और होल नंबर्स के अंदर आते हैं अपने पास नेचुरल नंबर्स। तो एक पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 4/2 क्या होगा, इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 क्या है, इंटीजर। तो ये भी एक 2 भी एक क्या है, रैशनल नंबर भी है एंड एक इंटीजर भी है। तो सारे के सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और, जैसे कि यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि वैल्यू डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता है। तो जैसे कि देखो न्यूमिनेटर 0 पॉसिबल है, 0/5 तो क्या आपने वो पता ही 0 रहेगा, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 एक इंटीजर भी है। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल कभी नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा, चलो अपने को पता नहीं ये वैल्यू क्या है, चलो मान लेते हैं ये वैल्यू x है। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू, इस स्टेप में आगे देखोगे तो 5 इज इक्वल टू 0 इंटू x आएगा। अब सोचो कि x की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए ताकि जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको 0 मिलना चाहिए, तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल भी है क्या? क्योंकि देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 आने वाली है, पर यहाँ पे 5 चाहिए, तो पॉसिबल होगा कि ऐसी कोई वैल्यू है कि जिसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है अपन सीधा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ऐसे नंबर्स डिफाइंड नहीं होते हैं। इसीलिए रैशनल नंबर में जब लिखते हैं अपन पी बाई क्यू, यहाँ पे क्यू को पहले बोलते थे कि वो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि क्यू 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर तो दूर की बात है, वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होने वाला। तो ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी कवर, और भी थोड़ी बहुत चीजें की थी 9th स्टैंडर्ड में कवर, 8th स्टैंडर्ड में कवर। जैसे कि तुम लोगों ने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा होगा, दो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि इनको रिलेट कैसे करते हैं, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव, जीरो का काम देखा होगा, जीरो क्या करता है, रोल ऑफ वन क्या होता है, मतलब वन का काम क्या होता है। तो ये सब चीजें अपन ने ऑलरेडी कवर कर ली थी, रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के तरीके देखे थे अपन ने, तो वो सब कवर कर लिया था। ठीक है, तो इतना बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, अगर इससे और भी तुम्हें देखना है तो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को फॉलो करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, ये तो पूरा प्रीवियस नॉलेज था, अभी एक नया जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या नंबर सिस्टम है और भी आगे पढ़ेंगे। जैसे कि रैशनल नंबर्स हो गए, अब रैशनल नंबर्स में और भी अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं, वो है इरैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है उनको बोलते हैं इरैशनल, जो कि मैं आगे बताऊंगा, पहले इतना लिख लो चीट तो, या फिर सीधा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अभी मैंने लिखा था, मैंने जो भी रिविजन बताया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था, वो सब लिखना तो लिख सकते जैसे मैंने बताया, या फिर फाइनली ये लिख लो, इतना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे पूरा इरैशनल नंबर जो पढ़ाऊंगा कोई निकल होता है, तो नोटबुक में चीट स्टार्ट कर लो इससे कि रैशनल नंबर्स का मैंने डेफिनेशन लिखा है, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैंने बताया था, मैंने उसका मीनिंग भी अच्छे से कन्वे किया था, तो ये सब चीजें इसका डेफिनेशन के हिसाब से लिख दो। ठीक है, इनको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। ठीक है, जैसे कि इंटीजर्स को आई को, नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, ऐसे रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक और फॉर्म में लिखा है, सेट फॉर्म बोलते हैं, इसका टेंशन मत लो अभी के लिए, इसको इतना लिख लो, जब गैलरी वाले में जब जाओगे तब इसका समझ में आएगा मीनिंग क्या है, अभी के लिए इतना ही लिखो ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल में लिखो, जो भी रैशनल नंबर्स के सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर्स हो, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, ये जो भी मैंने अभी पढ़ा है या फिर जो भी पहले तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो हर एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर रैशनल नंबर जो रहेगा वो एक होल नंबर रहेगा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये जो भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे होल नंबर्स में इंक्लूडेड है, तो हर रैशनल नंबर होल नंबर रहेगा,
लेकिन एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ ओनली वन नंबर दैट इज जीरो. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो. तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर ही है एक्स जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है. इसीलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज ऑफ जीरो. थर्ड पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज एन इंटीजर. तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, ठीक है, ये सारे जो नंबर्स आते हैं ये सब इंटीजर में इंक्लूड हो जाते हैं. इंटीजर्स में बस नेगेटिव भी और होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं, तो ये सब इंटीजर्स ही कहलाएंगे. तो इसलिए नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, सारे नेचुरल एंड सारे होल क्या बोलेंगे, वो दोनों क्या है, इंटीजर्स. ठीक है, फिर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. जैसे कि मान लो 23 एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे 23 एक इंटीजर है, इंटीजर को 23 को 23 बाय 1 लिख सकते हैं. अभी देखो पी बाय क्यू फॉर्म में आ गया, पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया, पी एंड क्यू दोनों बहुत इंटीजर्स हैं और क्यू नॉन जीरो है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है. मतलब हर इंटीजर भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर, क्योंकि हर एक इंटीजर को दिस अपॉन वन लिख सकते हैं. जैसे कि अगर 99 हुआ तो इसको भी लिख सकते हैं 99 अपॉन 1, तो ये भी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर. हो सकता है वो -99 हो तो -99 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर. तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं. तो लास्ट में जो मैंने पहले बताया था, जीरो इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर. तो नाइदर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ठीक है, लिख लो ये सारे इक्वेशंस जो रैशनल नंबर के हमने लिखा है, ग्रुप में अच्छे से लिखो, और सारे जो भी पॉइंट्स हैं पॉइंट्स के ऊपर सारे अच्छे. फिर अगली चीज है अपने पास एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इसको एक नोट में करके लिखना है. दो रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट तभी होंगे जब दोनों की वैल्यूज सेम रहेंगे. वैल्यूज सेम होने का मतलब क्या है कि देखो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, पी बाय क्यू के फॉर्म में आना चाहिए. अब पी बाय क्यू फॉर्म देखो ऐसे कुछ हो सकता है कि 1/3 हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 30/90 हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 27/81 हो, या फिर हो सकता है 2/6 हो, ठीक है, या फिर 7/21. तो ये सारे नंबर जो लिखे हैं मैंने, ये सारे की वैल्यूज एक ही है, और वो क्या है, 1/3. चेक कर लो, ये और ये भी इक्वल है. 31 जा 33 जा 27 1 जा या फिर 3 3 जा 3, निकालोगे इसकी कैलकुलेशन, 27 3 जा 81 रहता है, तो ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा. तो सारे के सारे जो वैल्यूज है वो सब क्या है, इक्वल. तो इसका मतलब ये सारे रैशनल नंबर जो लिखे हैं मैंने वो सारे क्या है, इक्विवेलेंट है. तो इसको मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, तुम्हें भी लिखते जाना है, नोट में लिख लो, इक्विवेलेंट. तो दो रैशनल नंबर्स कब इक्विवेलेंट रहेंगे, जब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जो सारे नंबर्स है वो क्या रहेंगे, प्रोपोर्शन में. जैसे कि देखो 1:3 30:19 सेम प्रोपोर्शन है, इसीलिए क्या लिखूंगा मैं, इफ देयर न्यूमरेटर्स, देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इन प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन में हुए तो इसका मतलब वो क्या है, इक्वल है. या फिर सीधा बोल सकते हैं और सिंपल सी भाषा में कि अगर सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है, मतलब सब रिड्यूस होकर इक्वल वैल्यूज दे रहे हैं, मतलब वो क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. और इफ दे आर रिड्यूसिंग इनटू द सेम रैशनल नंबर, ठीक है, तो जितने भी ऊपर मैंने लिखे हैं ये सारे हैं इक्विवेलेंट. तो पहले तुम्हें ये पूरा लिखना है, फिर एग्जांपल में ये डाल लो, ठीक है, 1/3 31/90 27/81 ये सारी चीजें लिख लो, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको नोट में लिख देना, इसको ये बहुत कम जगह यूज होगा, इसके अंदर यूज नहीं आएगा, बस याद रखना है तुम्हें इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है. दो नंबर्स इक्वल, दो रैशनल नंबर्स इक्वल, मतलब इक्वल, ठीक है, सेम चीज है, वन इज द सेम थिंग, लिखो. तो ये थे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है. तो जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसमें याद हो तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन याद हो, तो नंबर लाइन एक क्या चीज होती है, ठीक है,
नंबर लाइन क्या होता है, तो इस पे सारे नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नेगेटिव साइड में भी, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है ये क्या कह रहा है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में सपोज तुम्हें और रैशनल नंबर्स डिफाइन करने होंगे तो कैसे डिफाइन कर। जैसे कि मैंने कहा था तुम लोगों को कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं 3 और 4, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं, ये 3 है ये 4 है, तो ये दो रैशनल नंबर्स है, इसको चाहिए तो लिख सकते हो 3/1, 4/1 रैशनल नंबर्स ही है क्योंकि सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में 3 और 4 के बीच में मुझे और रैशनल नंबर्स डिटरमाइन करने हैं। अब वो करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि देखो सपोज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3/1 है, ठीक है, एंड 4/1 है, तो सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर डिफाइन कर लू ऐसा कुछ कि ये 3 ये 4 तो 3.5 यानी 7/2 या फिर ऐसे 3.5, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे दो नंबर्स के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स को डिटरमाइन करना है, ये तो मैंने सिंपल से बीच की वैल्यू अगर एक रैशनल नंबर पूछा है तो बता, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता वो बोलता कि 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो ऐसे कब तक ढूंढते बैठोगे, 7/2 फिर 7/3 क्या होता क्या, नहीं ये सब नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि 3 और 4 के बीच में चाहिए। तो यही एक टॉपिक है, नया टॉपिक है, मेथड टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो इसको हेडिंग डालेंगे। अब इसके पहले एक और चीज बता देता हूं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में 1, 2, 3 ऐसे कुछ नहीं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे, तुम कितने भी रैशनल नंबर्स गिन सकते हो इसके बीच में। जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3.01, तो देखो 3.01 का मतलब क्या है, 301/100, फिर लिख सकते हो यहाँ पे 3.02, इसको भी लिख सकते हो 302/100, तो ये सब डेसिमल एक्सपेंशन थे, याद होगा तुम लोगों ने ये स्टैंड में थोड़ा बहुत किया होगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसको पढ़ाएंगे एक एक करके तो समझते हैं। 3.03, 303/100, ठीक है, तो ये सब चीजें थी दो रैशनल नंबर्स के बीच में। बस तुम्हें एक ही चीज याद रखनी, वो क्या है, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100 आएंगे, 150 आएंगे, 200 आएंगे, नहीं, जितने अपने मन करे उतने लिख सकते हो उसके बीच में, जितना तुम डेसिमल में आगे जाते रहोगे उतने बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें हेडिंग डालनी है तुम्हें, मेथड टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, इसको मिटा के वापस से लिखते हैं, तो हेडिंग है मेथड टू डिटरमाइन रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स, एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स बताओ कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसको ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, कि पहला पार्ट क्या है कि डिटरमाइन रैशनल नंबर्स करने है, मतलब दो नंबर्स के बीच में, मान लेते वो नंबर्स एक्स एंड वाई है, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच में मुझे कुछ अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स को डिटरमाइन करना है। पहला सबसे सिंपल पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसी हेडिंग में फर्स्ट पार्ट है कि व्हेन वन रैशनल नंबर, बस एक ही रैशनल नंबर चाहिए, इज नीड टू बी डिटरमाइंड, इज नीडेड टू बी डिटरमाइंड बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पहला पार्ट है ये, जब हमें बस एक ही नंबर चाहिए, एक ही रैशनल नंबर चाहिए, यहाँ पर रैशनल नंबर लिख देना, जब यहाँ पे हमें एक ही रैशनल नंबर चाहिए इन दोनों नंबर्स के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में, तो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सिंपल सी कहानी देखो, मैंने अभी भी एक क्वेश्चन भी लिया था
जैसे कि यहाँ पे x है, ये y है, ठीक है, तो इनके एग्जैक्ट बीच में जो वैल्यू रहेगी वही तो राशनल नंबर रहेगी। तो वो कैसे करोगे, तो देखो इसको दोनों को ऐड करो x प्लस वाई और फिर डिवाइड बाय 2 करो, तो x प्लस वाई बाय 2 विल ऑलवेज बी द वन रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई, ठीक है, सिंपल सी कहानी एकदम, ठीक है। अगर उसने बोला एक रैशनल नंबर डिटरमाइन करो, कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, उसने बोला फाइंड अ रैशनल नंबर, और मतलब एक ही हुआ, तो फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, सपोज ऐसा कुछ है, फर्स्ट पार्ट लेते हैं अपन इसमें, एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट लेते हैं, वो बोल रहा है 7 and 9, या फिर 7 and 10, एक रैशनल नंबर डिटरमाइन करो उनके बीच में, या फिर वो बोल सकता है 2/3 and 3/9, 3/4, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर डिफाइन करो, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर पहले दो एग्जांपल्स करते हैं फिर बाकी आगे करें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे क्या बोल रहा है, 7 and 10 के बीच में एक रैशनल नंबर डिटरमाइन करना है, जैसे कि नंबर लाइन है ये 7 and 10, इसमें एक रैशनल नंबर डिटरमाइन करके बोल सकते हो। तो देखो अपने पास ऑप्शन तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 and 10 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर बताओ, कोई भी चलेगा। तो अपन बोल सकते हैं सीधा 8 है 9 है, ठीक है, 8.5, तो बहुत सारे रैशनल नंबर अपने पास अवेलेबल है, लेकिन हमेशा उसको आंसर इसी से प्रोवाइड करना है कि x प्लस वाई बाय 2 जो आएगा वो इसके बीच का रैशनल नंबर रहेगा। जैसे कि देखो 7 + 10/2 यानी 17/2, अगर इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करके डेसिमल में निकालोगे तो कितना आएगा 8.5, लॉन्ग डिविजन से भी निकाल सकते हो, तो 8.5 इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे कहीं आएगा ये 8.5, तो इसीलिए अपन ने डिटरमाइन किया 8.5 से रैशनल नंबर बिटवीन 7 and 10। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसीड करना है, इन दोनों को ऐड करना है 2/3 + 3/4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना आना चाहिए अभी तक सभी को, ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए, इसका 3 है इसका 4 है, तो एलसीएम हो गया 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 × 4 दैट इज 8 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे भी 3 × 3 तो ये हो जाएगा 9/12/2, तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे दोनों में 12 के नीचे आ गया है, 8 + 9 दैट इज 17/12 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जैसे सॉल्व करने जाओगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा 17/12 × 1/2 दैट इज 17/24, तो इसका मतलब एक रैशनल नंबर इसके बीच में अपन डिटरमाइन कर सकते हैं वो है 17/24। तो देखो ये ऐसा है, जैसे कि एग्जांपल देखो, सोचो अगर 2/3 की वैल्यू निकालते हो, अगर कैलकुलेटर से निकालो अगर ऐसे लड़के भी निकाल सकते हो, 2/3 की वैल्यू 0.66 कुछ आसपास आएगी, 0.6 के आसपास, और 3/4 की वैल्यू निकालोगे तो 0.75 के आसपास आएगी, तो ये जो वैल्यू है अगर इसको भी कैलकुलेटर से बैठ के निकालोगे तो ये 0.66 और 0.75 के बीच में कहीं ना कहीं तो आएगी, इसलिए ये जो रैशनल नंबर है वो इन दोनों रैशनल नंबर्स के क्या है, बीच में। तो इसको भी एक नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक करके लिखो, व्हेन वन रैशनल नंबर इज नीडेड टू बी डिटरमाइंड बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक बार वन हो गया है, अब मोर देन वन को भी डिटरमाइन करेंगे, पहले इतना लिखो। तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, सेकंड वाला, व्हेन वन वाला केस हो गया था, व्हेन मोर देन वन रैशनल नंबर्स आर नीडेड टू डिटरमाइन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब जब दो नंबर्स हमें डिटरमाइन, दो मतलब एक से ज्यादा नंबर्स डिटरमाइन करने हैं एक्स एंड वाई रैशनल नंबर्स के बीच, ठीक है, जैसे कि अभी तक कहानी क्या थी, जैसे कि 7 and 10 वाला क्वेश्चन देखा था, तो 7 and 10 में बस एक ही रैशनल नंबर डिफाइन किया था, वो है कितना आया था अपने पास 8.5 या फिर 17/2 ऐसे कुछ आया, ठीक है, तो वो है अपने पास, उस तरीके से निकाल सकते हो, वहां पे एक ही आया था।
अब एक से ज्यादा भी निकालने बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया फाइंड फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर, ठीक है, तो थ्री एंड फोर के बीच में चार रैशनल नंबर्स को तुम्हें डिटरमाइन करना है, तो ऐसे देख के क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए करना क्या, देखो सबसे पहले याद रखना, मैंने अच्छा पहले वाले में बताया नहीं था, हर जगह यहाँ पे ना एक्स और वाई जहां पे स्टार्ट किया था अपन ने इस हेडिंग को, तो वहां पे बस लिख देना वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई की वैल्यू एक वैल्यू दूसरे से बड़ी, अपन ने वाई को एक्स से बड़ा माना है, तो इसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये एक्स है अपने पास, ठीक है, और ये वाई अपने पास। अब सोचते हैं धीरे धीरे ना क्या करेंगे, एक्स पे कुछ ऐड करते जाएंगे, मान लो वो ऐड कर रहे हैं अपन डी अमाउंट से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अगली वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ पे लिख देते नीचे एक्स प्लस डी, फिर एक और डी ऐड किया तो एक्स प्लस टू डी, और डी ऐड कर रहे थे वैसे एक एक करके डी ऐड करते जा रहे हैं, वैसे डी यहाँ पे डी ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री डी, सो अनटिल मान लो कि यहाँ पे अपन ने एन टर्म्स ऐड किए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चलो ये फर्स्ट इसको नीचे लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे मान लो मैंने एन टर्म्स को ऐड किया है एक्स एंड वाई के बीच में, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, दूसरे कलर से नोट करते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट कलर, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ऐसे अपने पास जा रहे सो अनटिल एन, एन अपने पास नंबर्स, अपने को एन नंबर्स को एक्स एंड वाई के बीच में ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि हर बार डी ऐड करते जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं हर बार डी ऐड करते जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वाला जो आएगा वो एक्स प्लस डी, सेकेंड वाला एक्स प्लस टू डी, थर्ड वाला एक्स प्लस थ्री डी, पैटर्न देखते जाओ, वन है तो वन डी, टू है तो टू डी, थ्री है तो थ्री डी, हर बार डी ऐड करते जाओ, और एन है तो एक्स प्लस एन डी, तो ये बन जाएगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये सारे एन नंबर्स मैंने कुछ ऐड किए हैं, लेकिन तुम लोग बोलोगे अभी तक डी तो पता ही नहीं, डी का क्या करेंगे, उसके लिए भी ऊपर है, हमें ये तो वैल्यूज पता है ना, एक्स की वैल्यू पता है एंड वाई की वैल्यू पता है, तो सोचते हैं तो ये जो सारे डिफरेंस में कितनी बार आ रहा था, डी डी के डिफरेंस में आ रहा था, तो ये लास्ट वाले में अपन डी में डिफरेंस में मानते हैं, तो ये वाला आया एक्स प्लस एन डी, तो इसके आगे और भी एक डी ऐड करना पड़ेगा, तो सोचो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन डी प्लस डी, एक और डी ऐड किया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाई के बराबर हो जाएगा, देखो एक्स प्लस एन डी ये इसका nth टर्म था, इसमें एक और डी को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू बन जाएगी, है ना, तो एक्स प्लस एन डी ये जो nth टर्म था इसमें मैंने एक और डी ऐड किया इक्वल टू वाई, तो देखो क्या आ गया, एक्स प्लस एन प्लस वन डी इज इक्वल टू वाई, एक्स यहाँ पे प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, एन प्लस वन डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, और मुझे डी की वैल्यू चाहिए, मुझे पता है एन क्या होगा, मुझे पता है वाई और एक्स भी क्या होगा, एन क्यू क्या होगा मुझे पता है, जैसे क्वेश्चन देखो ना कितने नंबर ऐड करने, चार, तो मुझे एन की वैल्यू पता है, क्या चाहिए एक दो तीन चार, एन की वैल्यू फोर है, एंड एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू थ्री है, वाई की वैल्यू फोर है, तो उस तरीके से डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन, और जैसे ही अपने पास डी आ गया है तो देखो काम ही खत्म हो गया, डी आ गया है तो ये पहला रैशनल नंबर ये निकाल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट रैशनल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा और जगह लेके, फर्स्ट रैशनल नंबर क्या होगा, देखो फर्स्ट रैशनल नंबर जैसे कि एक्स प्लस डी, तो फर्स्ट जैसे कि इसको एक्स वन मान लेते हैं, एक्स वन फर्स्ट रैशनल नंबर जो होगा वो होगा एक्स प्लस डी, ठीक है, यहाँ पे डी जो भी वैल्यू निकाले इसको पुट कर दो, फिर सेकेंड रैशनल नंबर होगा एक्स प्लस टू डी, वापस से डी की जो भी वैल्यू निकली है उसको इसमें पुट करो, सो अनटिल बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स अपने को इंक्लूड करने बोलेगा, मान लो एन इंक्लूड करने बोल रहा है, तो एक्स एन ये वाला भी निकल जाएगा एक्स प्लस एन डी के साथ, ठीक है। जैसे कि देखो अभी तो पूरा फॉर्मूला है, हो सकता है तुम्हें तो समझ में नहीं भी आ रहा हो, टेंशन मतलब जैसे ही मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो उसने क्या बोला, थ्री एंड फोर के बीच में ऐसे चार रैशनल नंबर्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, ऐसे तो चार रैशनल नंबर्स को इंक्लूड करना है, मान लो हर एक के बीच में डिफरेंस आ रहा है डी का, ठीक है, वही चीज है वापस से थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करो नंबर्स के साथ,
तो देखो क्या हो रहा है, इसमें ये 3 है, 3 प्लस डी, 3 प्लस 2D, 3 प्लस 3D, 3 प्लस 4D, यानी कितना बन जाएगा 3 प्लस 5D। तो देखते जाओ क्या बनता है, ठीक है, इसको हटा देते, इसकी जरूरत तो पड़ी। तो देखो ये वाला टर्म आएगा अपने पास 3 प्लस डी, ये वाला टर्म आएगा अपने पास 3 प्लस 2D, कॉमा डाल रहा हूं, ये वाला टर्म अपने पास आएगा 3 प्लस 3D, ये वाला आएगा 3 प्लस 4D, एंड लास्ट वाला जो है वो तो 4 ही है, लेकिन वो भी निकाल सकते हैं अपन क्योंकि उसका भी डिफरेंस d का ही है, तो ये वाला आ जाएगा 3 प्लस 5। तो देखो ये जो मैंने लिखा था x प्लस m d प्लस d, तो ये वही वाला लास्ट वाला टर्म है, तो वही इसके बराबर ही करवा देखो, 3 प्लस 5D इज इक्वल टू 4, दैट इज 5D इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। तो ये तो मैंने ऐसे देख देख के निकाला है, तुम्हें चाहिए फॉर्मुला भी याद रख सकते हो कि d की वैल्यू y माइनस x अपॉन n प्लस 1 है, यहाँ पे y कितना है 4, x कितना है 3, देखो y और x में से y हमेशा बड़ा रहेगा, तो y अपने पास देखो यहाँ पे लिख दो चाहिए, तो फॉर्मुले के साथ x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, और कितने रैशनल नंबर्स को ऐड करना है n, तो n की वैल्यू 4, तो इससे भी निकाल सकते हो, जैसे कि d फॉर्मुला देखो क्या है, y माइनस x तो 4 माइनस 3 y माइनस x अपॉन n प्लस 1 तो 4 प्लस 1, तो देखो d इज इक्वल टू 1/5 ही आ रहा है, ऊपर में 1 नीचे में 5 तो 1/5, तो इस तरीके से d की वैल्यू निकल जाएगी। अब एक बार d निकला है तो फर्स्ट रैशनल नंबर कितना आएगा, देखो सपोज निकालना है तो क्या है 3 प्लस d, तो 3 प्लस 1/5, इसके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/5, फिर अपने पास आएगा 3 प्लस 2D या फिर इसको लिख दो 3 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा अपने पास कैलकुलेट करोगे 17/5, 3 प्लस 3D देख लो 3 प्लस 3/5, 18/5, और लास्ट में लास्ट रैशनल नंबर है 4 रैशनल नंबर 3 प्लस 4/5, तो फिर आ जाएगा 19/5। तो टोटल 4 रैशनल नंबर कौन कौन से इंसर्ट किया अपन ने, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, और यही अपना आंसर है, ठीक है। तो इसको समझो अच्छे से, यहाँ पे तुम सीधा फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो कि एज वी नो d इज इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1, यहां से भी प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन इतना भी टेंशन मत लो, तुम सीधा अगर तुम्हें अगर फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है क्या करना है, बस d के डिफरेंस में रखो, ऐड करते जाओ और देखो कि लास्ट में कौन सा बन रहा है, तो लास्ट में उसको इक्वल कर दो और वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास d की, तुरंत d की जैसी वैल्यू आ गई इन सब में पुट करना चालू करो, ये अपना आंसर देगा, 4 रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इसमें एक दो और एग्जांपल दूंगा, तुम्हें होमवर्क के थ्रू दूंगा, आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे, बाकी तब तक के लिए होमवर्क वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड, नीचे देखना वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा, तो उसमें एक बार देखना, वो होमवर्क मिल जाएगा तुम्हें उसमें, और बाकी कोई भी डाउट्स है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन जूम के थ्रू इंटरेक्टिव क्लासेस रख सकते हैं, उसके थ्रू डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी इतना जो भी लिखा मैंने अभी तक सब तुम्हारे नोट में छप जाना चाहिए, अपन जब रेगुलर क्लासरूम्स ओपन करेंगे वापस से लॉग इन होने के बाद, तो मैं तुम्हारा नोटबुक चेक करूंगा, अगर कुछ भी खाली दिखा तो फिर खैर, ठीक है, खैर, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, गुड डे, हैव अ नाइस डे।